हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पतरातु ब्लॉग वन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। उन सारे नंबर सिस्टम को बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग तीन भाग को देखेंगे। पहला भाग है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे सरल भाषा में बोला जाए तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके डॉट 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 अनंत तक। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफिनाइट होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या सीख लिया। अगला चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग समझ गए, अब दूसरे भाग में जाते हैं। दूसरा भाग है पूर्ण संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक। इसमें से ये तो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो जीरो को शामिल यहाँ कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या पूरी तरह से हो गई है। चलिए, दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 इत्यादि। अर्थात धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इत्यादि, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। इसे आप यहाँ नोट में लिख सकते। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा या पसंद लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।